नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी एकदम कर रहे होंगे। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया चल रही होगी, ये उम्मीद करते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटी सी सूचना के बारे में, जिसमें आपको ये ठीक है। तो एक सूचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बैठक जो है आज 7 मई को सचिव जो नियुक्त किए गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनकी बैठक होनी थी, जिसमें एजेंडा बनाया जाएगा अगली बैठक के लिए। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैक्सिमम 5 मिनट में ये बात जो है आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि आप सभी किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो आगामी आने वाली परीक्षा है या फिर जिसकी डेट आपको पता है, जैसे BPSC TRE 3 जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आपको समय की बचत करनी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बिल्कुल कम समय में हम लोग इस चीज को देखेंगे और इसका आगे निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या प्रभाव निकलेगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग में 2 नियुक्तियां हुई हैं, वो भी कैसी हुई है, परमानेंट ना होकर के ये हुई है, आपकी कार्यवाहक के रूप में नियुक्ति हुई है। एक अध्यक्ष और एक सचिव की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको बताया था, या मैंने पोस्ट किया था इसको। ठीक है, तो MP अग्रवाल जी बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान में प्रमुख सचिव हैं उच्च शिक्षा के, तो इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। और गिरिजेश कुमार त्यागी जी हैं जो कि विशेष सचिव हैं उसी विभाग में, उच्च शिक्षा में विशेष सचिव हैं। इन दोनों लोगों को कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, एक न्यूज अभी 2-3 दिन पहले ही आई थी कि MP अग्रवाल जी जो है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये 8 मई को प्रयागराज में, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय बनाया गया, वहां पर क्या करेंगे, बैठक करेंगे। ठीक है, 12 सदस्य और ये लोग मिलकर के क्या करेंगे, बैठक करेंगे। अब यहां पर बात ये आई कि अगर इनको 8 मई को बैठक करना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, उसके लिए क्या किया है, जो सचिव बनाए गए हैं, कार्यवाहक सचिव बनाए गए हैं गिरिजेश त्यागी जी, तो इन्होंने जो है एजेंडा के लिए आज 7 मई को बैठक का आयोजन किया। ठीक है, अब यहां पर क्या निर्णय लेने जाने थे, तो कम समय में बात समाप्त करने की बात हुई है, तो फट से हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो वहां पर 3 चीजों पर बात होने वाली है। ठीक है, मतलब तीन चीजों के लिए एजेंडा तैयार किया गया, ताकि कल की जो बैठक होगी अध्यक्ष महोदय के साथ, तो उस पे क्या क्या जो है डिसीजन लिए जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पहली चीज ये है ना कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब आयोग के अध्यक्ष बैठेंगे, सब कुछ होगा, बैठक होगी 8 तारीख को, तो फिर उसमें क्या डिसीजन लिए जाएंगे। तो पहला तो ये पहले ही बताया जा चुका, लंबित भर्तियों की चयन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए नया विज्ञापन तो कोई आ नहीं सकता, ये 2022 में ही TGT PGT के फॉर्म जो लिए जा चुके हैं उन्हीं के लिए काम यहाँ पर शुरू होना है। कैसे होना है, देखिए इसकी परीक्षा तिथि भी हो सकता है कि 8 मई को एग्जाम डेट भी दे दी जाए। ठीक है, जुलाई या अगस्त में मैंने बताया था कि परीक्षा की डेट हो सकता है कि आ जाए, TGT PGT जो फॉर्म 2022 में भराए जा चुके हैं उसके लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि लंबित भर्तियों के लिए काम चलेगा, और ये निश्चित तौर पर है कि इसकी डेट हो सकता है कि कल एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, 8 मई को शाम तक या 8 मई को शाम तक उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगी, ज्यादा चांस यही बन रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है और उच्चतर शिक्षा आयोग है, दोनों को मिलाकर अब एक कर दिया गया, और शिक्षा सेवा चयन आयोग अलग से बन रहा है। ठीक है, सबको एक में मिला दिया गया। अब बात आई कि उसके जो कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, तो उनके समायोजन पर भी जो है बैठक में विचार किया जाएगा, जो 8 मई को बैठक होनी है उसमें वो भी विचार किया जाएगा। कुल मिला जुला के सचिव की बैठक में इन्हीं सब चीजों पे, जैसे होता नहीं है कि हम लोग अपनी तैयारी पहले से करते हैं कि अगर कोई आ रहा है उससे क्या क्या सवाल पूछने हैं, किस तरीके के सवाल पूछने, बस उसी चीज की तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि क्या क्या चीजों पे चर्चा होगी। तो ये हो गया आपका कि वो कर्मचारी कहाँ पर जाएंगे, ये 2 चीजें तो आप एकदम क्लियर समझिए। अब देखिए, नई भर्ती शुरू करने पर विचार होगा या नहीं होगा, तो इसमें सीधी सी बात एक चीज कही गई है कि अगर अधियाचन मिलता है विभाग से तो उसके बाद ही नई भर्ती पर विचार किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जिस भी विभाग में नई वैकेंसी देनी है वहां से अधियाचन मिलेगा तभी कुछ काम चलेगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना चुनाव हुए, ठीक है, आचार संहिता चल रही है तो चुनाव होने के बाद ही इस पर कोई विचार किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज और समझिए कि जो नई भर्ती पर विचार करने की बात हो रही है, इसमें 2 चीजों पर हो रही है, एक माध्यमिक है और एक उच्चतर है। माध्यमिक और उच्चतर मतलब इसमें भी किसका है एडेड, मतलब जो है अशासकीय वाले जो है सहायता प्राप्त जो है उनकी बात हो रही है कि यहां पर वैकेंसी देने की बात
हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है कल की बैठक में, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि फिर से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी मिल सकती है। अगर कुछ थोड़ा सा और इस पे चर्चा होगी तो राजकीय मतलब एलटी ग्रेड में भी जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है, एलटी ग्रेड में भी। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक में शिक्षक भर्ती की क्या संभावना है। फिलहाल अभी इस बारे में कोई भी चर्चा या कुछ भी बात नहीं कही गई है, क्योंकि जो मंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं कि सीटें जो है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे बैठक कल समाप्त होगी जो भी सूचनाएं वहां से निकल के आएंगी उसके बारे में हम लोग एक बार बात इस पे करेंगे। फिलहाल अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप करिए, क्योंकि यहां पर नहीं तो केवीएस में, DSSSB में, बिहार में कहीं ना कहीं जो है आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी कहने के लिए तो 4 लाख 5 लाख लोग तैयारी करते हैं, उसमें से सिलेक्शन केवल 60-70 हजार जितनी वैकेंसी होती है उनका ही होता है। तो जो बेटर होंगे वही सबसे ऊपर होंगे और वही सबसे पहले सिलेक्ट होंगे। तो अपने आप को क्या करिए, बेटर बनाने की कोशिश करिए ताकि आपका सिलेक्शन जो उसमें सुनिश्चित हो सके। बाकी अगर आपको प्राथमिक में भर्ती चाहिए तो उसके लिए भी कुछ चीजें हैं ना, जब आप उस तरीके से काम करेंगे, अगर आप शिक्षा को आगे रख करके अपना भविष्य देखते हैं, तो फिर आप अगर अगले को ये बताएंगे कि हाँ शिक्षा मुख्य धारा में होनी चाहिए, मुख्य बिंदु, मुख्य जो मामला होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, मुख्य बात हमारी, जो मुख्य मांग होनी चाहिए वो शिक्षा होनी चाहिए, तो आप अगर दिखाएंगे कि हमें शिक्षा चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी इस साल के लास्ट तक या अगले साल में आ जाएगी, अगर जो है वैकेंसी देने वालों को दिख गया कि हाँ शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा एक बड़ी मांग है। और अगर जो है आप लोगों ने बताया हर बार की तरह कि नहीं, जैसे 2022 में था कि आपने बताया नहीं शिक्षा बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी इसी तरीके से इंतजार आपको करना पड़ सकता है। फिलहाल आप अपनी स्वेच्छा से जैसे भी आप चाहें, हाँ एक चीज मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव आप रहिए, ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए, क्योंकि ये चीज वैकेंसी की मांग जो है वो चर्चा में बनी रहनी चाहिए ताकि इलेक्शन के बाद जो है इस पर ध्यान दिया जा सके, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को नहीं रोकेंगे, आप लोग अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से करते रहेंगे। फिर मिलेंगे कल जो भी सूचना निकल कर आती है उसके बारे में, और बीपीएससी के लिए कुछ चीजें आपको जल्दी ही यहाँ पर उपलब्ध होने वाली हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।